नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूँ मेरा चैनल में करेंसी यूनिवर्स। दोस्तों आज मैं जो आपको करेंसी दिखाने जा रहा हूँ वो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, और वो करेंसी है साउथ अफ्रीका की करेंसी जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीकन रैंड। तो आज मैं इस वीडियो को आपको दिखाऊंगा साउथ अफ्रीका की करेंसी को, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अविनाश और मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड के सारे करेंसीज मेरा चैनल पे। ये जो साउथ अफ्रीकन रैंड की वीडियो है ना, ये मुझे रिक्वेस्ट किया था खुराम बाजवा ने, साक्षी अमेजिंग न्यू ने, ब्लॉगर बाबा ने, प्रकाश शर्मा ने, श्री हनुमान इलेक्ट्रॉनिक्स ने और संगीता धूत ने। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे ये सारे व्यूअर्स के लिए और आप लोग के लिए भी ऑफ कोर्स। और दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो दोस्तों ये जो साउथ अफ्रीका की करेंसी है ना, साउथ अफ्रीकन रैंड, ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 4.5 रुपए के आसपास है। मतलब अगर आप एक साउथ अफ्रीकन के रैंड को इंडिया पे लाओगे तब आपको इंडिया के 4.5 रुपए के आसपास मिलेंगे आपको। अभी आज के रेट जो है ना वो 4.55 रुपीज़ है। तो दोस्तों आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लास्ट 5 ईयर्स की डेटा, तो बहुत मतलब अप्स एंड डाउन है इस करेंसी की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 रुपए से लेके 5.5 रुपए तक फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो बहुत ही मतलब फ्लक्चुएट करने वाला करेंसी है ये। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की करेंसी जो है ना, उसके नोट्स और पॉइंट्स जो है, पहले आपको नोट्स बताऊंगा। नोट्स जो है वो है 200 रैंड की नोट, जो सबसे बड़ी वाली नोट है, उसके बाद 100 रैंड की नोट, उसके बाद 50 रैंड की नोट, उसके बाद 20 रैंड की नोट, उसके बाद 10 रैंड की नोट, और उसके बाद कॉइन्स जो कि है कॉइन्स 5 रैंड की कॉइन, 2 रैंड, 1 रैंड, और उसके बाद सेंट्स जो सेंट्स है 50 सेंट की कॉइन, 20 सेंट की कॉइन, 10 सेंट की कॉइन और 5 सेंट की कॉइन। तो दोस्तों पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी वाली नोट जो है 200 रैंड की नोट। तो ये रहा 200 रैंड की नोट आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा 200 रैंड की नोट, ये थोड़ा लाइट ब्राउन और ऑरेंज कलर मिक्स है, और फ्रंट पे जो है फ्रंट में नेल्सन मंडेला की इमेज है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी स्ट्रिप है और साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। उसके बाद जो बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में कुछ वाइल्ड एनिमल्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, और एक बैक साइड है, बैक साइड में एक लेपर्ड की एक फोटो है, ये भी सेम कलर का ही है। यहाँ पे एक लेपर्ड का फोटो देख सकते हो क्लोजअप, और साइड में 200 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है थोड़ा इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज पे है, और यहाँ पे लिखा है भांगे लोम्बोसो लासे निग्जिंग भी अफ्रीका, जिसका मतलब मुझे पता नहीं। और ये रहा फ्रंट साइड और बैक साइड। तो ये नोट की वैल्यू है यूएस में $12.12, इंडिया में 907 रुपी, पाकिस्तान में 2020 रुपी, बांग्लादेश में 1029 टका, और नेपाल में 1453 नेपाली रुपी। तो दोस्तों ये मैं आपको 200 रैंड की नोट दिखाया, और अभी 100 रैंड की नोट देखते चले, लेकिन उसके पहले थोड़ा बात बता देता हूँ मैं ये नोट के बारे में। ये जो रैंड वर्ड है ये कहाँ से आया, ये आया जोहानसबर्ग जो है ना, एक बड़ी सिटी है साउथ अफ्रीका में, वहाँ के पास एक जगह है जिसका नाम है रैंड, और वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो उस जगह के नाम से मतलब उठाया उस नाम को और साउथ अफ्रीका की करेंसी को बना दिया साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दोस्तों ये जो रैंड की सिंबल है वो हम लोग मतलब आर लिखते हैं, जैसे हम लोग रुपीज में पहले हम लोग ये सिंबल से पहले आर एस लिखते थे, तो यह जो रैंड है जो आर लिखते हैं, जैसे अगर 100 रैंड की नोट है तो R100 लिखेंगे इन लोग, और यहाँ के जो ISO कोड है वो है ZAR। तो दोस्तों अभी देखते हैं 100 रैंड की नोट आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा 100 रैंड की नोट। तो ये रहा साउथ अफ्रीका की 100 रैंड की नोट, ये लेवेंडर टाइप कलर की नोट है, सेम नोट ये एग्जैक्टली जो टाइप है, यहाँ पे फ्रंट में नेल्सन मंडेला की ही इमेज है, और यहाँ पे जो देख सकते हो साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक के गवर्नर की साइन है, और यहाँ पे कलर शिफ्टिंग इंक से 100 रुपीज लिखा हुआ है, और जो आप बैक साइड देख सकते हो, बैक साइड में एक बफेलो को दिखा रहा है, और यहाँ पे आप फ्रंट और बैक साइड दोनों नोट अभी देख सकते हो। और ये नोट जो है 100 रैंड, इसकी नोट की वैल्यू है यूएस में $6.06, इंडिया में 454 रुपी, पाकिस्तान में 1010 रुपी, बांग्लादेश में 505 टका, और नेपाल में 727 नेपाली रुपी। तो दोस्तों ये रहा 100 रैंड की नोट, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 50 रैंड की नोट। लेकिन दोस्तों और एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, ये रैंड जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1961 में, और 1961 से लेके अराउंड 1982 तक ये रैंड का वैल्यू यूएस डॉलर से ज्यादा था, मतलब हाईली वैल्यूड था, लेकिन 1982 के बाद उस रैंड का वैल्यू कम होने रहा ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वेरियस इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो उसके बाद मतलब ये रैंड का वैल्यू कम होने लगा। और दोस्तों 2012 में जो साउथ अफ्रीका की रिजर्व बैंक है, उन लोग ने ये नई सीरीज ऑफ नोट्स बनाया जिसमें नेल्सन मंडेला की फोटो है उनको ऑनर करने के लिए। तो ये सारे नोट्स में जो अभी दिखा रहा हूँ आपको वो नेल्सन मंडेला सीरीज है, और ये सब जो नोट्स है उसको मतलब रंडेला भी कहते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं 50 रैंड की नोट। तो ये रहा 50 रैंड की नोट साउथ अफ्रीका की आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा 50 रैंड की नोट, ये भी सेम डिजाइन का, एग्जैक्टली द सेम, ये थोड़ा लाइट वाटरमेलन कलर टाइप का है, और फ्रंट में एज यूजुअल नेल्सन मंडेला की इमेज है, कलर शिफ्टिंग इंक पे 50 लिखा हुआ है, एक सिक्योरिटी स्ट्रिप है,
और बैक साइड में आप देख सकते हो एक लायन की इमेज है और बाकी सारा सेम ही एग्जैक्टली बाकी नोट की जैसा। तो ये रहा फ्रंट साइड और बैक साइड 50 रैंड नोट की, और इस नोट की वैल्यू है US में $3.03, इंडिया में 226 रुपी, पाकिस्तान में 505 पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश में 258 टाका और नेपाल में 364 नेपाली रुपी। तो दोस्तों अभी देखते हैं 50 रैंड के बाद 20 रैंड की नोट। तो ये रहा साउथ अफ्रीका की नोट 20 रैंड की नोट आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा साउथ अफ्रीका की 20 रैंड की नोट, ये लाइट ब्राउन कलर का ही है और फ्रंट में फिर से एज यूजुअल नेल्सन मंडेला की इमेज है, कलर शिफ्टिंग इंक पे 20 लिखा हुआ है, एक सिक्योरिटी स्ट्रिप है, उसके बाद गवर्नर की साइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड में जो है एक एलिफेंट की इमेज है। तो जितना भी मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की नोट्स है, बैक साइड में हमेशा एक वाइल्ड एनिमल की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो सारे नोट्स की। और ये रहा फ्रंट साइड और बैक साइड, और इस नोट की वैल्यू है US में $1.1, इंडिया में 91 रुपी, पाकिस्तान में 202 पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश में 103 टाका और नेपाल में 146 नेपाली रुपी। तो दोस्तों ये रहा 20 रैंड की नोट, अभी देखते हैं इससे छोटे वाला नोट जो है 10 रैंड की नोट। तो ये रहा साउथ अफ्रीका की 10 रैंड की नोट आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा साउथ अफ्रीका की 10 रैंड की नोट, ये ग्रीन कलर टाइप का है और ये जो यहाँ पे है फिर से नेल्सन मंडेला है और बाकी सब एज यूजुअल प्रीवियस नोट की जैसा ही फीचर्स है। तो ये बैक साइड देख सकते हो, बैक साइड में एक राइनोसोरस की इमेज है, 2 हॉर्न राइनोसोरस है अफ्रीका की ये। तो ये रहा फ्रंट साइड और बैक साइड 10 रैंड नोट की, और इस नोट की वैल्यू जो है ना वो है US में $0.61, इंडिया में 46 रुपी, पाकिस्तान में 101 पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश में 52 बांग्लादेशी टाका और नेपाल में 73 नेपाली रुपी। तो दोस्तों ये मैं सारे आपको नोट्स दिखाया साउथ अफ्रीका की, जो 200, 100, 50, 20 और 10। अभी ये दिखाते हैं आपको कॉइन्स, लेकिन उसके पहले और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 200 रैंड की नोट है ना वो मतलब सब जगह में एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काउंटरफिट नोट प्रोड्यूस करते हैं इसको। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, 200 रैंड की नोट अगर आपके पास हो तो कोई कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए बी केयरफुल विद दिस 200 रैंड नोट। तो दोस्तों अभी देखते हैं साउथ अफ्रीका की कॉइन्स कैसा है। तो आप अभी देख सकते हो अपना स्क्रीन के ऊपर, ये रहा 5 रैंड की कॉइन, ये रहा 2 रैंड की कॉइन और ये रहा 1 रैंड की कॉइन। तो 5, 2 और 1 रैंड की कॉइन साउथ अफ्रीका की। तो दोस्तों अभी दिखाते हैं जो सेंट्स है, सेंट्स दिखाते हैं। तो सेंट्स के कॉइन्स ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा 50 सेंट की कॉइन, ये रहा 20 सेंट की कॉइन, ये रहा 10 सेंट की कॉइन और ये रहा 5 सेंट की कॉइन। तो 50 सेंट, 20 सेंट, 10 सेंट और 5 सेंट। तो दोस्तों ये रहा एक छोटी सी वीडियो साउथ अफ्रीका की करेंसी, द साउथ अफ्रीकन रैंड के बारे में। उम्मीद है आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नेक्स्ट कौन सा नोट आप देखना पसंद करोगे तो आप मुझे बताइए कमेंट के नीचे, तो मैं जितना जल्दी हो सके आपके लिए वो करेंसी के वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल जरूर रखिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।